टेक्नोलॉजी के जरिए अंतरिक्ष में जाना और अलग अलग ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना आज वैज्ञानिकों के लिए काफी आसान हो गया है। लेकिन अंतरिक्ष में जाना और वहां रहना वैज्ञानिकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि स्पेस में जाना धरती के किसी दूसरे कोने पर जाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अंतरिक्ष में ना तो हवा है और ना ही कोई वातावरण। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर स्पेस में जाने वाले यात्री वहां कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे सोते होंगे, कैसे यूरिन करते होंगे, और यही नहीं पॉटी कैसे करते होंगे, उनकी यूरिन और पॉटी का क्या होता होगा, क्या उसे वो अंतरिक्ष में ऐसे ही छोड़ देते होंगे, क्या उनकी यूरिन और पॉटी अंतरिक्ष में ऐसे ही घूमती रहती होगी। ऐसे ही ना कई तरह के सवाल आपके दिमाग में घूमते होंगे जिनसे आप खासे परेशान भी रहते होंगे। तो चलिए आज हम आपकी परेशानी को थोड़ा कम कर देते हैं और जानते हैं कि अंतरिक्ष में वो इन सब चीजों को कैसे झेलते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग। स्पेस में जाने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को कई महीने या सालों तक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो स्पेस के माहौल के लिए फिट हो सके। ट्रेनिंग में पास होने वाले यात्रियों को ही स्पेस में भेजा जाता है। इस दौरान उनके शरीर में कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव देखे जाते हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन अंतरिक्ष में रहने वाले यात्री जब वहां से वापस धरती पर आते हैं तो वो चलना तक भूल जाते हैं और उन्हें चलने के लिए भी कई दिन तक प्रैक्टिस करनी होती है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में अंतरिक्ष यात्रियों को खास ट्रेनिंग दी जाती है। यह आधुनिकता से भरपूर एक खास लेबोरेटरी है जिसे अमेरिका और रूस समेत 16 ताकतवर देशों ने मिलकर $120 बिलियन की लागत से तैयार किया है। इसी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में रहकर अंतरिक्ष यात्री किसी प्रोजेक्ट या ग्रहों की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की ड्यूटी। अगर आपको भी ये सवाल परेशान करता है कि आखिर स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स क्या काम करते हैं, तो इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हम आपको बताएंगे कि स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स आखिर क्या काम करते हैं, उनकी ड्यूटी क्या होती है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे एस्ट्रोनॉट्स की 5 खास ड्यूटी होती हैं जो उन्हें रोजाना करनी होती हैं। पहला काम होता है स्पेस का अध्ययन और एक्सपेरिमेंट। दूसरा, स्पेस सेंटर का रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस और मरम्मत। तीसरा, कसरत और एक्सरसाइज। चौथा, स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक। और पांचवा, आराम करना। ये तो हुई उनकी ड्यूटी और काम को लेकर चर्चा। लेकिन इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स खाना पीना, सोना, पढ़ना और टॉयलेट जाने जैसे रोजमर्रा के काम भी करते हैं जिन्हें पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। दरअसल स्पेस में जाते ही एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं जिसके बाद वो आपकी और हमारी तरह आम इंसान नहीं रहते, क्योंकि आपको पता ही है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती जिसकी वजह से वहाँ अंतरिक्ष यात्री चलते नहीं बल्कि हवा में हमेशा उड़ते रहते हैं। स्वस्थ रहने के तरीके। स्पेस में सबसे बड़ी चुनौती होती है ग्रेविटी, जो धरती पर तो मौजूद है लेकिन स्पेस में नहीं है। इसी ग्रेविटी की वजह से हमारे पैर जमीन पर रहते हैं और हम अपना संतुलन आसानी से बना पाते हैं, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होती और इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स हमेशा हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि स्पेस में उनका थूक भी तैरता है। आप जरा सोचिए, ऐसे में वो रोजमर्रा के जरूरी काम कैसे करते होंगे। इसके अलावा स्पेस यात्रियों को हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों को रोजाना एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। स्पेस सेंटर में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स सबसे ज्यादा ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें दौड़ने से उनके पैरों की हड्डियां और मांसपेशियां सुचारू रूप से काम करती रहती हैं। ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए वे अपने शरीर को एक प्रकार की बेल्ट से बांध लेते हैं जिससे उनके पैर ट्रेडमिल पर आसानी से टिके रहते हैं। रोजमर्रा के जरूरी काम। धरती पर एक दिन 24 घंटे का माना जाता है और स्पेस यात्री भी इसी टाइम को फॉलो करते हैं। उनके हाथ में एक विशेष प्रकार की घड़ी होती है जो उन्हें धरती के टाइम से जोड़कर रखती है। लेकिन धरती का चक्कर लगा रहे स्पेस सेंटर के तेज गति से घूमने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स लगभग 16 बार सूर्य के दर्शन करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल आपकी और हमारी तरह करते हैं, हालांकि उनका तरीका हमसे काफी अलग होता है। स्पेस यात्रियों के पास एक ग्रूमिंग किट होती है जिसमें उनके टूथपेस्ट, ब्रश और फेस वॉश जैसी जरूरी चीजें होती हैं। ब्रश करने के लिए उन्हें अपने मुंह को ज्यादा से ज्यादा बंद करके रखना पड़ता है।
क्योंकि अगर वो मुंह खोलेंगे तो टूथपेस्ट दूसरी चीजों की तरह तैरने लगेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एस्ट्रोनॉट्स जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके अपने दांत साफ करते हैं उसे थूकने के बजाय निगल लिया जाता है, जिसके बाद वो पानी के छोटे पाउच के जरिए मुंह साफ करते हैं। हालांकि उस पानी को भी वो थूकते नहीं बल्कि निगल जाते हैं। टॉयलेट का इस्तेमाल। अब बारी आती है टॉयलेट इस्तेमाल करने की। ग्रेविटी न होने की वजह से स्पेस में टॉयलेट का इस्तेमाल काफी अलग ढंग से किया जाता है। यहाँ यूरिन पास करने के लिए टॉयलेट में एक पाइप लगी होती है जिसके जरिए वो यूरिन पास करते हैं। वहीं पॉटी करने के लिए बहुत छोटी सी टॉयलेट सीट होती है जिसमें उन्हें खुद को सही ढंग से फिट करना होता है। सफाई के लिए गीले टॉवल का इस्तेमाल किया जाता है। इस सीट को हर यूज के बाद बदल दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष यात्री पॉटी करते हैं तो क्या वो अंतरिक्ष में उड़ती रहती है, क्या उसे वहीं फेंक देते हैं? तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, बल्कि उसे दूसरे यंत्रों की मदद से धरती पर वापस लाया जाता है और फिर उस वेस्ट को जला दिया जाता है। नहाना। हर काम की तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स नहाने का भी अलग अनुभव लेते हैं। वह शावर के नीचे एक बड़ी से बैग के अंदर खड़े होकर नहाते हैं। बालों को साफ रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स सबसे पहले अपने बालों पर शैम्पू लगाते हैं, फिर उसे किसी गीले टॉवल या स्पंज से साफ कर लेते हैं। आपको बता दें कि शुरुआती समय में स्पेस पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपना वेस्ट स्पेस पर ही छोड़ देते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आधुनिक हो गई है कि एस्ट्रोनॉट्स द्वारा पास किया गया यूरिन फिल्टर होकर दोबारा पानी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कहें कि उन्हें अपने यूरिन को फिल्टर करके पीना पड़ता है। स्पेस सेंटर में किसी भी चीज को वेस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें वेस्ट चीजों को ही दोबारा इस्तेमाल करना होता है। खाना पीना। स्पेस सेंटर में भी आपकी और हमारी तरह किचन में इस्तेमाल की जाने वाली सारी चीजें मौजूद होती हैं। एस्ट्रोनॉट्स आमतौर पर अपने खाने में अंडे, ब्रेड, मीट और सब्जियों का सेवन करते हैं। यह स्पेशल खाना जापान, रूस और अमेरिका जैसे देशों की विशेष स्पेस फूड कंपनियां तैयार करती हैं। यहां तक कि खाने के बर्तन यानी कांटा और चम्मच को भी ऐसे तैयार किया जाता है कि वे जीरो ग्रेविटी में किसी की आंख और नाक में ना घुस पाए। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स या पैड सिर्फ लेनोवो कंपनी के होते हैं। इन्हीं के जरिए धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों से संपर्क करके मिशन के बारे में बातचीत शेयर की जाती है। अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देशों ने स्पेस में इतने मिशन भेजे हैं कि उनका मलबा कई सालों से वहां घूम रहा है। कभी कभी इसी कचरे की वजह से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट पहनकर सेंटर से बाहर निकलते हैं और बाहर जमा कचरे को हटाने का काम करते हैं। साथ में लैब की मरम्मत का काम भी इन्हीं एस्ट्रोनॉट्स के जिम्मे होता है। सोने और आराम का तरीका। दिन भर का काम खत्म करने के बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स पैक्ड फूड खाते हैं और 10 बजे तक अपने स्लीपिंग बेड में जाकर सो जाते हैं। यह बेड भी काफी अलग और छोटी सी जगह पर बने होते हैं जो पूरी तरह से कवर रहता है। एस्ट्रोनॉट्स अपने बेड में पूरी तरह से कवर होकर सोते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो एस्ट्रोनॉट्स के सोने की जगह एक कैप्सूल जैसी होती है जिसमें वो खुद को पैक कर लेते हैं। इसी कैप्सूल में उनकी पर्सनल चीजें जैसे लैपटॉप और बुक्स आदि भी शामिल होती हैं। इस कैप्सूल में फिट होने के बाद वो खुद को स्पेस शिप के किनारों में खुद को बांधकर सो जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्पेस यात्रियों का शरीर एक जगह पर टिका रहे और वो आराम की नींद ले सके। सोने के समय स्पेस सेंटर को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि रात में स्पेस शिप में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा न बढ़ जाए। स्पेस सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स किसी भी मुद्रा यानी उल्टा या सीधा सो सकते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ इस बात का अंदाजा नहीं लग पाता कि वो उल्टे सो रहे हैं या सीधे। सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को देखने वाले लोग ही इस बात का पता लगा सकते हैं कि वह किस मुद्रा में सो रहे हैं। मस्ती और स्पेस टूरिज्म। काम और दिनचर्या के कामों के अलावा स्पेस सेंटर में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। वह जीरो ग्रेविटी में तैरने का मजा उठाते हैं, वहीं अपने शरीर को हल्का महसूस करके इधर उधर तैरते रहते हैं। हालांकि इस मौज मस्ती के बीच स्पेस यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है जिसके बारे में आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके लिए रोजमर्रा के कामों को पूरा करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भी सोच रहे हैं कि काश आपको भी स्पेस सेंटर का अनुभव लेने का मौका मिलता तो आपकी ये कल्पना सच हो सकती है। जी हाँ, आने वाले समय में आपको अंतरिक्ष का अनुभव करवाने के लिए कई प्राइवेट कंपनियां स्पेस टूरिज्म पर काम कर रही हैं।
इसी को ध्यान में रखकर धरती पर मंगल ग्रह का अनुभव लेने के लिए एक खास जगह भी बनाई गई है, जिसे आर्टिफिशियल मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसी तरह कई दूसरी कंपनियां भी स्पेस सेंटर और आर्टिफिशियल ग्रह बनाने और लोगों को उसका अनुभव कराने के काम में तेजी से लगी हुई हैं। हालांकि इस एक्सपीरियंस के लिए आपको अपनी जेब से मोटी रकम अदा करनी होगी। तो देर किस बात की, अगर आप स्पेस का मजा उठाना चाहते हैं तो आज से ही पैसे जमा करना शुरू कर दीजिए। किसे पता कब कौन सी कंपनी स्पेस टूरिज्म को लेकर टिकट बांटना शुरू कर दे। तो अब आप इस वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे कि अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी और रोजमर्रा से जुड़े काम कैसे होते हैं, जिन्हें पूरा करने में उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ती है। हालांकि इस तरह की समस्याओं का सामना करने के लिए स्पेस यात्रियों को पहले से ही तैयार कर दिया जाता है। तो अब क्या आप भी स्पेस का लुत्फ उठाना चाहते हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।